बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। नमस्कार, मैं हूं जोया खान और आप देख रहे हैं वीकेबी न्यूज की देश प्रदेश विदेश की खास पेशकश। कोरोना की दहशत के बीच प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से जुड़े घटनाक्रम है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपना कलेवर प्रदेश में बदल रही है। राणे ने जहां शिवसेना को पोल खेल की धमकी दी है, वहीं प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर सवाल उठाते हुए अनेक कांग्रेसी नेताओं ने पद बेचे जाने का आरोप लगाया है। मामला दिल्ली दरबार तक जा पहुंचा है और लोगों को वहां से मिलने वाले निर्देश पर नजर है। दो ट्रांसजेंडरों को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस में स्थान मिला है। इस कदम पर सबकी अपनी अपनी राय है, कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा तो चर्चा है। बहरहाल, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने ड्रग प्रकरण में एक और टीवी अभिनेता गौरव दीक्षित को गिरफ्तार किया है। क्रम जारी है, किसकी अगली बारी है उसके लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा। खबरों के पंच का प्रहार बहुत कुछ कह रहा है, समझने के लिए इशारा काफी है। कोरोना संक्रमण के साये में फिर गणेशोत्सव है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने सावधानी बरतने की अपील की है, लिहाजा विभिन्न मंडल अपने अपने स्तर पर सावधानी बरत रहे हैं और उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। इसी क्रम में ठाणे मनपा ने गणेशोत्सव के दौरान बड़ा फैसला लिया है। पूजा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का तो पूरी तरह पालन किया ही जाएगा। विसर्जन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का मनपा की तरफ से एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। सभी विसर्जन स्थल पर टेस्ट की व्यवस्था होगी। इसके लिए मनपा ने करीब 50,000 किट का इंतजाम किया है। विसर्जन स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को टालने के लिए मनपा की तरफ से खास इंतजाम किए जाएंगे, उसे लेकर मंथन जारी है। इसके अलावा विसर्जन के दिन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सभी घाट और कृत्रिम तालाब पर पुलिस के साथ मनपा सुरक्षा रक्षक, अग्निशमन दल के जवान और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे से लोगों पर नजर रखी जाएगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे सियासी रणनीति के तहत गिरफ्तार हुए और अब मुखर है। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रत्नागिरी जिले में एक रैली को संबोधित करने के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिससे विवाद बढ़ा और थाने जाना पड़ा। अब शिवसेना को परोक्ष रूप से चेतावनी देते हुए राणे ने कहा कि वह पार्टी और उसके नेताओं के बारे में काफी कुछ जानते हैं और एक के बाद एक करके मामले सामने लाएंगे। राणे ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि वह जानते हैं कि किसने किससे कहा था कि भाई की पत्नी पर तेजाब फेंके, यह किस तरह का संस्कार है। एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करके किसी को क्या मिला। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक कर मामले सामने लाऊंगा। 39 साल तक उनके काम किया है, काफी चीजें जानता हूँ। यही नहीं, नारायण राणे ने यहाँ तक कहा कि शिवसेना का एक कार्यकर्ता वरुण सरदेसाई मेरे मुंबई वाले घर के बाहर आया था और मुझे धमकी दी थी, अगर वह अगली बार आता है तो वह वापस नहीं जाएगा। याद रहे, वरुण सरदेसाई शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना के नेता है और उन्होंने मुंबई में राणे के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की जांच जारी है। इसी कड़ी में एनसीबी ने टीवी अभिनेता गौरव दीक्षित को गिरफ्तार किया है। उनके घर से एमडी ड्रग्स और चरस बरामद किया गया है। अभिनेता एजाज खान से पूछताछ के आधार पर गौरव की गिरफ्तारी हुई। अभिनेता एजाज खान ने ही उनका नाम लिया और बताया कि गौरव भी हमारी कड़ी का एक हिस्सा है। एजाज खान को 31 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। एनसीबी ने एजाज को लेकर अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर
सर्च ऑपरेशन चलाया था। ड्रग्स तस्कर शादाब बटाटा से पूछताछ के दौरान एजाज का नाम सामने आया था। पहले बटाटा की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद जांच एजेंसी ने एजाज से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। गौरव दीक्षित भोपाल के रहने वाले है। गुड लुकिंग होने की वजह से उनके दोस्त उन्हें मोटिवेट करते थे कि तुझे तो मॉडलिंग और एक्टिंग में जाना चाहिए। उन्होंने भोपाल में अपना फोटोशूट करवाया और तभी मुंबई की कुछ मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें मॉडलिंग का ऑफर दिया। इस तरह इंजीनियरिंग करने के बाद गौरव ने नौकरी करने के बजाय माया नगरी का रास्ता चुना, पर अब गलत राह पर निकल पड़े हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 190 सदस्यों वाली जम्बो प्रदेश कार्यकारिणी सवालों के घेरे में है। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा महाराष्ट्र में नियुक्त सचिवों द्वारा पैसे लेकर बड़ी संख्या में लोगों को पद बेचे हैं, जिससे राज्य के प्रमुख नेताओं द्वारा सुझाए गए नेताओं को संगठन में जगह ही नहीं मिल पाई है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि ICC के सचिवों ने 25,000 से 50,000 रुपये लेकर प्रदेश कार्यकारिणी के पद बेच डाले हैं। राज्य के तमाम बड़े नेताओं ने इसकी शिकायत प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से की है। खबर है कि वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और प्रदेश कार्यकारिणी के पद बेचे जाने के आरोपों से कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अवगत कराने के लिए नाना पटोले दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सिर्फ 68 से 70 लोगों की कार्यकारिणी की लिस्ट बनाई थी, लेकिन AICC सचिवों ने अपने लोगों के नाम लिस्ट में शामिल कराने के मकसद से महाराष्ट्र प्रभारी HK पाटिल को जम्बो कार्यकारिणी बनाने की सलाह दी थी। कांग्रेस ने पहली बार 2 ट्रांसजेंडरों को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया है। इनमें से एक मुंबई से है और दूसरी धुले से। इस खबर के बाद तरह तरह की चर्चा है। जिन 2 ट्रांसजेंडरों को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस में सचिव बनाया गया है, उनके नाम है सलमा उमर खान साकरकर और पार्वती परशुराम जोगी। 40 वर्षीय सलमा मुंबई में लोक अदालत में पैनल जज है और विक्रोली में रहती है। वह मुंबई में किन्नरम्मा ट्रस्ट की सह उपाध्यक्ष भी है। इस ट्रस्ट में करीब 5,000 ट्रांसजेंडर सदस्य है। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें यूं ही चुना है, उन्हें समाज सेवा के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। सलमा ने कहा कि पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें अपने में शामिल किया है। देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें यह मौका दिया है, इसका मुझे बहुत गर्व है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम भी भारत के नागरिक हैं। दूसरी ट्रांसजेंडर सचिव पार्वती जोगी किन्नर अखाड़ा धूले की महामंडलेश्वर है। अफगानिस्तान में जारी घमासान का असर देश में भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खुफिया एजेंसियां पल पल की खबर रख रही है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक गैंगरेप के बाद नई पाबंदियां लगा दी गई है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जारी आंतरिक खींचतान के बीच लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शांति की तलाश में मथुरा चले गए हैं। इसे लेकर तरह तरह की चर्चा है, क्योंकि वहां से वे दिल्ली कुछ करने वाले हैं। इसके अलावा भारत में कोरोना के बढ़ते आंकड़े तीसरी लहर की आहट को एक बार फिर सही साबित कर रहे हैं। केरल की हालत बिगड़ती जा रही है। अच्छी खबर यह है कि अब देश में वाहनों के लिए नया पंजीकरण शुरू हो रहा है, जो कहीं भी मान्य होगा। केंद्र ने सभी वाहनों में भारतीय सीरीज या BH नामक एक नया व्हीकल रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया है। ये देश के इन 5 बड़ी खबरों में है जहां लोगों को सावधान रहने की नसीहत है, वही बहुत कुछ समझने की जरूरत भी। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात और ISI के विभिन्न आतंकी संगठनों के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी के मद्देनजर देश की तमाम खुफिया इकाइयां इस वक्त इस तरफ पैनी नजर रखे हुए हैं। खुफिया इकाइयों को पता चला है कि आतंकी संगठनों के जरिए ISI नापाक साजिश रच रही है। उसका मकसद इन संगठनों के लड़ाकों के जरिए देश में वारदात को अंजाम देना है। इस तिकड़ी के लड़ाकों के निशाने पर महत्वपूर्ण सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन और आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट है। इसके अलावा आतंकी जवानों को भी निशाना बना सकते हैं। ये खुफिया अलर्ट देश की सीमा सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों समेत तमाम दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को भेजा गया है। अलर्ट के अनुसार कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और हक्कानी नेटवर्क से सतर्क रहने की जरूरत है। अफगानिस्तान पाकिस्तान आधारित इन संगठनों की तिकड़ी देश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटी है। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया इकाई इनके साथ मिलकर साजिश रच रही है। भारत में अब त्योहारों का दौर है और इसी का फायदा आतंकी संगठन उठा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान लोगों की भीड़ बेकाबू रहती है। कर्नाटक के मैसूर में एक प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की छात्रा से गैंगरेप मामले के बाद शाम के 6 बजे के बाद लोगों के कुकरहल्ली जेल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला मैसूर यूनिवर्सिटी द्वारा एहतियात के तौर पर लिया गया है। कुलपति प्रोफेसर जी हेमंता कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शाम 6:30 बजे के बाद कैंपस में छात्राओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उन्हें निर्धारित समय के बाद परिसर में कहीं भी बैठने पर रोक रहेगी।
बता दें कि कर्नाटक के मैसूर में मंगलवार को 23 साल की एक MBA छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था। इस दिन शाम करीब 7:30 बजे चामुंडी हिल्स से लौटते वक्त कुछ लोगों के एक समूह ने मेडिकल छात्रा और उसके मित्र को घेर लिया और पैसों की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उनमें से दो ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके मित्र की पिटाई कर दी। आरोपियों ने कथित तौर पर एक वीडियो भी बनाया और 3 लाख रुपए न देने पर उसे वायरल करने की धमकी भी दी। जब युवती और उसके दोस्त ने असमर्थता जताई तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जारी आंतरिक खींचतान के बीच लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शांति की तलाश में मथुरा चले गए हैं। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने अपने गुरु के साथ पारिवारिक कलह पर चर्चा की है और फिलहाल अध्यात्म को अपनाने का फैसला किया है। वह इन दिनों उत्तर प्रदेश के तीर्थ नगरी मथुरा की धार्मिक यात्रा पर है। हालांकि उन्होंने इस बार मीडिया से दूरी बनाए रखी है। तेज प्रताप पिछले 2 दिनों से मथुरा में अपने धार्मिक गुरु के आवास पर है। तेज प्रताप यादव का एक धार्मिक गुरु से आशीर्वाद लेने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे पहले भी तेज प्रताप शांति की तलाश में मथुरा गए थे जब उनकी पत्नी से विवाद हो गया था। कहा जा रहा है कि उनके मथुरा से दिल्ली जाने की पूरी संभावना है। याद रहे, राजद में अंदरूनी कलह इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। तेज प्रताप यादव प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हटाने की मांग करते रहे हैं, जबकि उनके भाई और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते आंकड़े तीसरी लहर की आहट को एक बार फिर सही साबित कर रहे हैं। देश भर में शनिवार को कोरोना के 46,759 नए मामले दर्ज किए हैं, जो 2 महीने में सबसे अधिक है। ओणम के त्यौहार के बाद से केरल की स्थिति तेजी से खराब हुई है। यहाँ शनिवार को कोरोना के 32,801 मामले दर्ज किए गए, जो देश भर में आए नए मामलों का 70% के आसपास है। कहा जा रहा है कि ओणम के दौरान राज्य के लोगों ने सामाजिक दूरियों का पालन नहीं किया और इस अवसर को मनाने के लिए भारी संख्या में एकत्र हुए। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि कोरोना के दौरान घर पर रह रहे लोग क्वारंटाइन नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि 35% लोग घर से ही इस बीमारी की चपेट में आए हैं। बीमार व्यक्ति परिवार के सदस्य एक साथ ही घर के अंदर बैठता है, जिससे अन्य सदस्य भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बहरहाल विशेषज्ञ इसे तीसरी लहर की नज़र से देख रहे हैं। केंद्र ने सभी वाहनों में भारत सीरीज या BEH नामक एक नया व्हीकल रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत सीरीज के वाहनों की अधिसूचना जारी की है। नई BEH सीरीज के वाहनों को पंजीकरण को ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं होगी और यह पूरे देश में मान्य होगा। यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। 4 या अधिक राज्यों में कार्यालय रखने वाली निजी कंपनियों के कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों को होगा, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। यह लोगों को हर बार नए राज्य में जाने पर अपने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया से बचाएगा और अपने स्थान को बदलने में काफ़ी मददगार साबित होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 47 के तहत मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण की प्रक्रिया में एक वाहन मालिक को अपने वाहन को उस राज्य के अलावा जहां वाहन पंजीकृत है किसी अन्य राज्य में 1 वर्ष से ज़्यादा रखने की अनुमति नहीं है। मालिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर नए राज्य प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण लेने की आवश्यकता होती है। दुनिया की तस्वीर बदल रही है, कहीं उपलब्धियों की इबारत गढ़ी जा रही है तो कहीं खूनी खेल और जोर आजमाइश। भारत ने ओलंपिक के पैरालंपिक में भी झंडे गाड़े हैं। भाविना पटेल भारत की ऐसी पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है जो फाइनल तक पहुंची है। देश उनसे गौरवान्वित है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों की ललकार और अमेरिका की हुंकार है, जिसका परिणाम हिंसक है। चीन की चालबाजी इससे अलग है, वो हमेशा से ही फिराक में रहने का आदी है। हिमालय की चोटियों पर मुंह की खाने के बाद भी वो फिर से फुंकार रहा है, तो पाकिस्तान अपनी ही उलझन में है। उसे भारत के अलावा दुनिया में और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तभी तो कराची के कारखाने में आग लगने की घटना के बाद भी देर तक उसके अधिकारियों में कोई हलचल ही नहीं हुई। इन 5 खबरों में आज की तस्वीर। भाविना पटेल पैरालंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने शनिवार को टोक्यो खेलों में महिला एकल क्लास 4 वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की झांग मियाओ को 3-2 से हराया। 34 वर्षीय इस खिलाड़ी ने पटेल को दुनिया की नंबर 3 खिलाड़ी को सेमीफाइनल में 7-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-8 से हराया।
ये मुकाबला 34 मिनट चला। अब वो गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने से महज एक कदम दूर है। जीत के बाद 34 साल की भाविना ने कहा कि अगर आप चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं होता। गुजरात के मेहसाणा की भाविना पटेल अब खिताबी मुकाबले में 29 अगस्त को यानी रविवार को उतरेगी, जहां उनका सामना चीन की झाओ यिंग से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 पर शुरू होगा। ये भाविना पटेल का पहला पैरालंपिक है। पटेल सेमीफाइनल में पहला गेम करीबी मुकाबले में हारी, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की और अगले दो गेम अपने नाम किए। हालांकि झेंग ने वापसी की। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया है कि धमाका करने वालों में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस में केरल के 14 लोग शामिल हैं। इन लोगों को तालिबान ने बगराम जेल से रिहा किया था। समझा जा रहा है कि इन 14 केरल वासियों में से एक ने अपने घर से संपर्क किया था, जबकि 13 का अब तक कोई पता नहीं है। 2014 में मोसुल में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले आतंकी संगठन का कब्जा होने के बाद मलप्पुरम, कासरगोड और कन्नूर जिलों में से एक समूह जिहादियों के साथ शामिल होने के लिए भारत छोड़कर भाग गया था। इनमें से कुछ परिवार अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में रहने लगे थे। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के दूतावास पर हमले की कोशिश कर रहे दो पाकिस्तानियों के भी हिरासत में होने की खबर है। भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि तालिबान और उसके साथ ही इन कट्टरपंथी केरल वासियों का इस्तेमाल कर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि तालिबान ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। भारत ने लद्दाख विवाद के दौरान चीनी सेना को चौंकाते हुए कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। अब जवाब में चीन की सेना PLA ने तिब्बत में हिमालय की चोटियों पर फिर से कब्जा करने का बड़ा अभ्यास किया है। इस अभ्यास में चीनी सेना की 10 से ज्यादा लड़ाकू टुकड़ियां शामिल थी। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी सेना के इस अभ्यास का मकसद भारत को चेतावनी देना था। 2 दिन और 1 रात तक चले अभ्यास के दौरान PLA ने चोटी पर तोपखानों से भारी मात्रा में गोलीबारी की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले किए। इस दौरान दुश्मन पर निगरानी की गई और जासूसी को भी अंजाम दिया गया। 12 सदस्यीय दल ने 6,100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाई चढ़ी ताकि हमले के लिए सही सही डेटा इकट्ठा किया जा सके। ब्लू आर्मी का डेटा इकट्ठा करने के बाद उसे तत्काल कमांड सेंटर को भेजा गया। इसके बाद चीनी तोपों ने एकदम सटीक गोलीबारी शुरू की। एक ड्रोन एयरक्राफ्ट को मार गिराने का अभ्यास किया गया। ड्रोन को भ्रमित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती बम धमाकों में करीब 169 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉडल ने इन बम धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। बदला लेने के लिए अमेरिका ने शनिवार तड़के खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले आतंकवादी संगठन के खिलाफ जमकर ड्रोन हमले किए। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती बम धमाकों के महज 48 घंटे से भी कम समय में ये जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें हमले के साजिशकर्ता के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। सेना ने ये हमले नांगहर प्रांत में किए हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि काबुल में एक और आतंकी हमले की आशंका है। चूंकि जोखिम अभी भी जारी है और ये सक्रिय है, इसलिए अमेरिकी सैनिक अभी भी खतरे में है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर चेताया है कि हम अपने सैनिकों पर हुए हमलों से आहत हैं। विश्वासघात की सजा हर हाल में मिलेगी। पाकिस्तान के कराची में एक कारखाने में आग लगने से कम 16 लोगों की मौत हो गई। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अतिरिक्त पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा कि अब तक 16 शवों को अस्पताल लाया जा चुका है और भी शव निकाले जाने की उम्मीद है। 12 शवों की पहचान के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 4 की तत्काल पहचान नहीं हो सकी है। सभी मृतकों की उम्र 18 से 38 वर्ष के बीच है। संभवतः सभी कारखाने में काम करने वाले लोग ही थे। पुलिस के अनुसार इमारत में अभी भी 25 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें आशंका है कि उनकी मौत हो सकती है। इसी बीच कारखाने में आग लगने के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और रेंजर्स के जवान बचाव दल के साथ राहत कार्यों में लगे हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि आग मेहरान टाउन में एक रासायनिक कारखाने में लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव के प्रयास जारी है। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। तो देश प्रदेश विदेश के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। Bye.
कुछ जानना चाहते हैं। मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।